इस बार के नए सीड्स और फर्टिलाइजर्स से हमारे किसानों को काफी राहत होगी और 2021 तक 80 नए स्टोर्स खुलने का हमारा टारगेट होगा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हमें इस पर तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इतने सारे नए स्टोर्स खुलना हमारी कंपनी के लिए फायदे का होगा। और क्या मतलब है तुम्हारा? हमें फ्री डिलीवरी चेन सेटअप करने के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि फार्मर्स को सीड्स और फर्टिलाइजर्स लेने के लिए छोटे मोटे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है और सामान उनके दरवाजे तक आ जाए। अपूर्व, तुम्हें पता है कि फ्री डिलीवरी चेन शुरू करने में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है? ये फार्मर्स के एंगल से ठीक है, लेकिन कंपनी के नहीं। फ्री डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के मार्जिन पर आएगा। तुम्हारे इस सजेशन से कंपनी को सिर्फ लॉस पहुंचेगा। मुकुंद जी, ये कंपनी सिर्फ इसीलिए खोली गई थी कि किसानों का फायदा हो सके। मैं नया हूं, लेकिन ये बात बखूबी जानता हूं कि कंपनी किन आदर्शों पे चल रही है। और रहा सवाल कंपनी के फायदे का, तो ये स्टेप एक इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म फायदा। और मेरा मानना है कि सिर्फ फ्री डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करने से फार्मर्स हमारी कंपनी की इतनी फ्री माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि अगले 2 साल में 300% तक की ग्रोथ होगी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। इससे पहले कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में ये आइडियाज आए, हमें इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा, कि हमारी कंपनी फार्मर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करती है। गुड, वेरी गुड। सर, अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके पोजीशन के लिए अच्छी बात नहीं है सर। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया, या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ? क्योंकि मुकुंद जी को तो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपूर्व, मैंने तुम्हारे आइडिया को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि वो हमारी कंपनी और हमारे फार्मर्स के लिए फायदेमंद। उस काफसे के बच्चे का काम तमाम करना है। बहुत नाक में दम कर रखा है उसने। इस बार चार्ज थोड़ा ज्यादा बैठेगा सर। बोल कितना? 10-15 दिए, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। पकड़ा गया तब भी नहीं। अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस, बाकी काम होने के बाद। करना कब? तुम तैयारी करो, डेट में बताता हूँ। यश सो जा बच्चा। क्या हो गया? सो जा सो जा। नहीं मम्मा, थक गई। यश क्यों रो रहा है? सो जाना। नीनी आ रही है। हाँ सो जाना। क्या हुआ यश? सो ही नहीं रहा है। भाग्यश्री, मैं सोच रहा हूँ कि अपूर्व अब तैयार है, मैं रिटायर हो जाता हूँ, वो संभाल लेगा कंपनी। हाँ बिल्कुल, तो अब आपको भी ना थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गुड बॉय। चले अपूर्व, हो गया नाश्ता? जी बाबा, बस खाना गोपाल के हाथ तो भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा। बाय 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 यश। बाय बेटा। यार बेटा, इनकी भी मजबूरी है बेटा। पापा, ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं। अब धवल काब से एक कामयाब बिजनेसमैन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। साफ था कि यह कोई राह चलती हत्या नहीं थी, इसे करवाया गया था। यह हत्या किसी के बुरे इरादों और मन में बैठी मैल का नतीजा था।
सर 4 गोलियां मारी गई है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ज्यादा खून बह जाने से कार्डियक अरेस्ट हुआ और विक्टिम की मौके पर डेथ हो गई। जिस तरह से ये काम किया है प्रोफेशनल किलर ही होगा, बचने का कोई चांस ही नहीं। चारों गोलियां लोकल मेड गन की लगती हैं सर। चारों गोलियां सीने में मारी गई हैं। जी सर, सर मिस्टर कापसे के मर्डर केस पर ही काम कर रहा हूं। आई नो सर, मुझे पता है कि वो एक पब्लिक फिगर थे। जी सर, कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद सर। सर, एफएसएल ने कंफर्म कर दिया है कि लोकल मेड गन ही यूज हुआ था और हाल फिलहाल में इस तरह का गन कहां बेचा गया है, किसको बेचा गया और किसने बेचा है, ये सब पता लगाने के लिए खबरी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। ये मर्डर करवाया गया है बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये जो कोई भी है उसे धवल कापसे का रूटीन पता था। उस सिग्नल पर कब पहुंचता है उसका अंदाजा था, या फिर घर से ही पीछा किया गया था। धवल कापसे का घर और जहां मर्डर हुआ था वो सिग्नल वाला एरिया, बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। राइट सर। क्या हुआ? मैंने कहा था ना ये नंबर सिर्फ इमरजेंसीज के लिए दिया है, क्यों कॉल किया? मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम कॉल मत करना, मैं करूंगी। मम्मी ने दूध पिया? नहीं, सोने की कोशिश कर रही है। जाने क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, जिसने भी पापा को। उस भिखारी का चेहरा देखा था या पुलिया बता सकते हो? बस इतना देखा कि उसके कपड़े बहुत मैले थे, आधा चेहरा शॉल से ढका हुआ था। तुमने कुछ देखा? नहीं देख पाया सर। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो बाइक पर बैठकर उल्टी तरफ भाग गया। उस बाइक के बारे में कुछ बता सकते हो? नंबर प्लेट देखी थी? ब्लैक कलर की बाइक थी, जेके बाइक जैसी। मैं नंबर ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसके नंबर की शुरुआत MH12 से थी सर। MH12 मतलब बाइक पुणे की है सर। आप लोगों को किसी पर शक, कोई ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, कौन करेगा ऐसा। मैं हमेशा धवल से कहती थी संभल कर आया जाए कर, चौकर ना रहे, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी। आप उनसे ऐसा क्यों कहती थी? क्या उन्हें कोई खतरा था? 2 साल पहले भी उन पर अटैक हुआ था। क्या बोल रहे हो? उस वक्त भी गोपाल उनके साथ था। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? ए बाहर निकल। अरे कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? भाई हमने क्या गलती की है? छोड़ दे, ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? ए चल निकल। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। पापा नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। पापा पर किसी ने हमला किया, उन्हें डराया धमकाया, तो किसी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मैंने कहा था धवल से, उसने बड़े ऑफिसर से बात भी की थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी। 6 महीने बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है तो उन्होंने प्रोटेक्शन हटवा दी। आपको पता ही हमला किसने किया था? धवल को शक था कि इसके पीछे सारंग सिंह और संजय जगताप का हाथ हो सकता है। वो बिजनेसमैन? दोनों का भी सेम बिजनेस है। पर धवल जी को ऐसा क्यों लगा था कि वो हमला संजय या सारंग ने किया होगा? 2 साल पहले धवल ने महाराष्ट्र में 5 राइस मिल शुरू किए, उसकी वजह से संजय और सारंग को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और वो दोनों बहुत नाराज थे। क्या धवल भाव, किसानों के लिए पहले ही अपने फर्टिलाइजर और मिट्टी के रेट मार्केट में कम कर रखे। आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है और अब ये 5 राइस मिल खोलने की क्या जरूरत थी? पैसा तुम्हारा है भाव, खोला तो खोला, और उन किसानों से इतना महंगा धान क्यों लेना? तुम्हारी वजह से कोई भी किसान अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं है किसी और को। देखो, मैंने ये बिजनेस किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही शुरू किया था, आज उनकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने जो मुझे दिया वो मैं उन्हें वापस लौटा। लेकिन आपके दान धर्म से हमारे धंधे में नुकसान होता है, उसका क्या? हमारे लिए तो यही सही होगा कि तुम अपना बिजनेस प्लान बदलो,
हमारा साथ दो ना कि उन गरीब किसानों का। अगर मैं मना कर दूं तो? क्या तकलीफ है धवल भाव? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हमको भी फिक्र होगी। उस मीटिंग के बाद ही धवल को उन गुंडों ने धमकी दी थी और इस बार धमकी को अंजाम दे दिया। सर, संजय और सारंग ने करवाया होगा, वो तो पहले से इतना चढ़े हुए थे। सर, हम लोग किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने वाले थे और ये आइडिया आप हमारे बिजनेस को नहीं पूरी इंडस्ट्री को बदल देते। तो क्या संजय और सारंग को आपके इस बिजनेस प्लान के बारे में पता था क्या? क्या आपने अपने इस प्लान को मार्केट में अनाउंस कर दिया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन सर कोई तो है जिसने ये बात कंपनी में लीक की है। उस बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। क्राइम ब्रांच पर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर है। हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से प्रशासन भी सकते में है। क्राइम ब्रांच पर कातिल को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा दबाव बढ़ गए। धवल कापसे की हत्या से पूरा राज्य शोक के माहौल में है। उनके ना रहने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा क्योंकि धवल कापसे किसानों के सबसे बड़े समर्थक और हिमायती थे। हेलो, देखा क्या? टीवी पे धवल कापसे के मर्डर की न्यूज दिखा रहे हैं। साहब, आपके फोन का इंतजार था। काम तो कल करना था ना। अब साहब, मुहूर्त तो निकाला नहीं था ना, फील्डिंग कर रहे थे, मौका मिला सो कर दिया। ठीक है, काम सफाई से हुआ है ना, मेरा नाम आना नहीं चाहिए। साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। और साहब वो बैलेंस अमाउंट कल रात 9 बजे मिल वहीं पर। ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट धवल कापसे की हत्या की खबर से पूरा शहर हिल गया है। जब उनकी कार पुणे शहर के संगम नगर एरिया के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तभी उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोली मारने वाला भिखारी के वेश में आया था। ऐसा लग रहा था कि हत्या के पीछे कई खिलाड़ी थे। इस हत्या के पीछे का मकसद एक रहस्य था जिसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी काफी मेहनत करनी थी। सर, एक ब्लैक बाइक मिली है। संगम सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ भी क्लियर नहीं देगा, लेकिन वहां से गोला चौक की तरफ जाते हुए रास्ते पर एक सीसीटीवी में फुटेज क्लियर मिली है। ये बाइक है सर। अगर प्रोफेशनल किलर्स हैं तो नंबर प्लेट भी फर्जी होगा सर। धवल कापसे के बिजनेस राइवल संजय और सारंग बुलाकर लेकर आओ, बात करके देखते हैं, पता तो चल जाएगा कौन कितने पानी में है। साम साम। बोल गणेश, क्या खबर है? साहब, वो गनसेलर जिसने गन बेची थी वो मिल गया है। नाम क्या उसका? लक्ष्मण खुरपे नाम है सर, यही शंभुवाड़ी में रहता है, घर से ही ऑपरेट करता है। कौन है? कैसे रहे सर? चला शुरू करके। ये सब क्या किया मैं? ऐसे सारा घर क्यों छाने साहब, सामने सीधा आदमी है। 2 मिनट रुक जा, तब पता चल जाएगा। सर, ये गन मिली सब। सीधा आदमी है तू? इससे सारा हमें अच्छे से पता है। 2 साल पहले आपने धवल जी को धमकी दी थी और ठीक उसके बाद ही उन पर हमला हुआ था। हाँ, उनकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं और संजय उनसे बात करने गए थे। अटैक वगैरह कुछ नहीं करवाया। 2 साल पहले भी पुलिस ने पूछताछ की थी, कुछ नहीं मिला। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। आपके बिजनेस में और कोई है जो उन पर हमला करवा सकता है? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता। धवल कापसे अपने मन की करने वाला आदमी था। अब ऐसे में उसके कितने दोस्त थे कितने दुश्मन ये मैं कैसे बता सकता। कभी कभी इंसान अंदर से चोट खाया हुआ होता है। आप पता लगाइए, कोई अपना तो नहीं था। चलते थे, अपना ध्यान रखना है और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चलो सुनीता।
जा रहे हैं मामा जी? हाँ बेटा, ये दिल्ली की फ्लाइट है, कुछ काम है, कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अपूर्व, चलिए यार मैं भी चलता हूँ। कुछ खाया माने? हाँ। क्या हुआ जानवी? किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर है, मैं यश को देख के आती हूँ, वो जाग गया होगा ना। अपूर्व ने किसानों के लिए फ्री डिलीवरी सिस्टम शुरू करने के लिए एक प्लान सजेस्ट किया था सर। पूरा प्रपोजल पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि सर बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था सर। अगर ये प्लान ऑपरेशन में आ जाता तो सर हमारी कंपनी बाकी कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाती। अच्छा मोहन जी, बाहर वालों के अलावा कंपनी में कोई ऐसा है जो मनीमन धवल जी से बैर रखता हो? अपूर्व ने तो आते ही झंडा गाड़ दिया है। आपका बनाया प्रपोजल आज पहली बार रिजेक्ट हुआ है। धवल सर को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोलिए मोहन जी, क्या जानते हैं? सर देखिए, मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ, धवल सर ने कुछ दिन पहले एक एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। किसको? सर जयेश, धवल सर का साला। तुमने क्या सोचा जयेश, कि तुम फर्टिलाइजर में मिलावट करके बेचते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? कितना भरोसा करके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तुम्हें सौंपा था और तुम मुझे ही लूट रहे हो। अभी जीजा जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पैसे मांगते, अपनी बहन से मांग लेते। मुझे माफ कर दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। मैं माफ कर रहा हूँ इसीलिए तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूँ, लेकिन तुमने जो भी चोरी की है वो सारा पैसा तुम्हें कंपनी में जमा करना होगा, वरना मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। मैं गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीजा जी, तुम जा सकते हो। क्या धवल जी की वाइफ को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन धवल सर ने मुझे बोला था कि मैं किसी को भी जयेश को निकाले जाने की वजह न बताऊं। तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मैडम एक हफ्ता हो गया काम हुए, अभी तक पैसा नहीं मिला मुझे। हाँ तो बात को थोड़ा समझो ना, माहौल थोड़ा शांत होने दो। मैडम अब ये सोचना मेरा काम थोड़ी है, मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ, किसका फोन था? पंकज का। क्या बोला? उसे अपनी बैलेंस अमाउंट चाहिए, मैंने 3-4 दिन रुकने को कहा है। अब ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं जो धवल भाऊ की कंपनी की वजह से नुकसान में चल रहे हैं, तो ऐसे में दुश्मनी तो किसी की भी हो सकती है। पर आप दोनों के अलावा उन्हें धमकी देने और कोई नहीं गया था? हमारा उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था, उसके कुछ ही दिन बाद उन पर अटैक हो गया। अब जाहिर है उनको तो यही लगता है कि अटैक हमने करवाया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, ना उनके पास था ना आपके पास है। चलो बताता साहब, मैं गन बेचता है, मध्य प्रदेश से माल उठाकर यहाँ पुणे में बेचता है। सप्लायर कौन है तेरा? पता नहीं, मैं तो मिडिल मैन से लेता है, उसका नंबर है मेरे पास। पिछले एक महीने में पुणे में तूने कितने गन बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं, सब बोल। पिछले महीने 2 लोगों ने लिया है। नाम बोल। मोहम्मद इरफान और प्रकाश सुरवे। बाकी डिटेल्स जल्दी बोल लक्ष्मण, बोल। सर जिस बाइक पर शूटर भागे थे उस बाइक के ओनर का पता चल गया, किसी सुबोध मंडल के नाम पर है। एड्रेस मिला? जी हाँ सर, उसके घर एक टीम भेज दिया मैंने। गुड। और ये गन सेलर लक्ष्मण, उसने कुछ कहा? उसने 2 लोगों का नाम बताया सर। भाई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि ये लक्ष्मण इसी मर्डर केस से कनेक्टेड हो। और सर ये धवल जी का साला जयेश, इसको धवल जी ने 6 महीने पहले काम से निकाला था, ये कंपनी में घोटाला कर रहा था, लेकिन इस बात को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। जयेश को बोलो बात करते, वो अभी दिल्ली में है सर, परसों पुणे आ रहा है, मैंने बुलाया उसे। एक काम करो, धवल जी के फैमिली मेंबर्स के सबके कॉल डिटेल्स निकालो, शायद वहीं से हमें कुछ मिल जाए। बैठ सर। सर ये भाई के मालिक सुबोध भावे, MH12AF145H, बाइक तुम्हारी है? हाँ साहब। ये बाइक एक मर्डर में इस्तेमाल हुई है, सच सच बता क्या किया तूने? क्या बात कर रहे हैं साहब, पिछले महीने मेरी बाइक चोरी हो गई थी, मैंने कंप्लेन भी किया था। कौन से पुलिस स्टेशन में? MS नगर पुलिस स्टेशन। गन किससे खरीदी तूने? लक्ष्मण नाम है सर उसका। उसी गन से मर्डर किया ना? नहीं नहीं सर, वो गन तो जैसे लिया था वैसे रखी है सर। झूठ मत बोल, लक्ष्मण ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, चल बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखा था वो गन। बकवास कर रहा है,
मुझे फट्टू फट्टू बोलते थे और मुझे बोलते थे कि तू डरपोक है, तू कभी गन नहीं पकड़ सकता। इलीगल गन खरीदने को तू खेल समझता है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया सर। गन क्यों खरीदी थी? अब बेफिक्र रहो साहब, काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। ये 5 लाख एडवांस। बता दे वरना मुंह खुलने के और भी तरीके आते हैं मुझे। सब मुझे नहीं, मेरे मेरे दोस्त को चाहिए था, उसके बोलने पर ही मैंने लिया था, फिर बाद में उसने लेने से मना कर दिया। सब अभी भी वो गन मेरे पास ही है। उसका नाम बोल, नाम बोल, नंबर दे उसका। क्या सोच रहा है, किसका नाम बताओ? याद नहीं आ रहा है तुझे? धवल कापसे को क्यों मारा, किसने सुपारी दी थी? कौन धवल कापसे? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो गन क्या अपने भारत में फायर करने के लिए खरीदा था? मैं परेशान हो गया था अपने हालात से, मजदूरी का काम कर करके इतना पसीना बहाने के बाद सिर्फ चिल्लर ही मिलता था, इसलिए मैंने गन खरीदा। सोचा कि बैंक लूट लेता हूं, कम से कम जिंदगी भर पैसों की तकलीफ तो नहीं होगी। सब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आपको जो 6 गोली मिली थी ना मेरे घर पे, वो सब मैंने लक्ष्मण से खरीदा था, और सब वो सामान अभी भी वैसा का वैसा ही है, एक भी गोली नहीं चली उस बंदूक से। यार अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये धवल का नाटक। हाँ यार, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उसका। क्या कर सकते हैं, वो डरता भी तो नहीं है। इस बार धमकी नहीं, सीधे गोली देंगे, असली वाली बुलेट। चढ़ गई है क्या, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उसको डराने की बात कर रहा हूँ, जान से मारने के लिए नहीं। 2-4 गुंडों को हायर करेंगे और उनसे कहेंगे कि गोली धवल के कान के पास चलनी चाहिए, उसको भी तो डर का एहसास हो। हमारे बिना कहे वो हमारी बात भी समझ जाएगा और फिर उसके बाद वो हमें सीरियसली भी लेगा। छोड़ दे, ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम सीधा तेरे भेजे में लगेगी, समझा? सर हमने इरफान और प्रकाश दोनों की खरीदी हुई गन और बुलेट सीज कर एफएसएल को भेज दी थी, पर एफएसएल की रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही गन इस्तेमाल नहीं हुई है और बुलेट्स भी वैसे ही है। मैंने इरफान का बैकग्राउंड भी चेक किया सर, शकने जैसा कुछ मिला नहीं। इंसिडेंट के वक्त भी वो संगम नगर सिग्नल पर नहीं था। और वो दूसरा प्रकाश, उस पर लड़ाई झगड़ा करने और ज्वेलरी चुराने के कुछ केसेस तो आए पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, थोड़ा डाउटफुल है वो। उसका कहना है कि इंसिडेंट के वक्त वो शीना नाम की किसी बंदी के साथ था। उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने, वो वाकई में क्राइम स्पॉट पर नहीं था। सारंग और संजय के खिलाफ कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला सर, हम ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। इस सारंग और संजय इस मर्डर से जरूर कनेक्टेड है। 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगला पिछला सब देखो, देखो ये सारंग और संजय इस लक्ष्मण से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर उन दोनों से जिनकी हमने गन सीज की है। और सर वो बाइक वाला सुबोध, उसने वाकई में एमएस नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है। बाइक चोरी की थी इसलिए शायद इन्होंने नंबर प्लेट नहीं चेंज की। मारा कि धवल पे अटैक को 2 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस खोद खोद के सब डिटेल्स निकालेगी तो? 2 साल बहुत होता है, कुछ मिलेगा नहीं उनको। लेकिन हमें सावधान तो होना ही पड़ेगा, पुलिस नजर रखेगी हम पे, अब क्या करें? हमें शांत रहना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। बोल गणेश, क्या खबर है तेरे पास? बहुत बड़ी खबर है सर, मेरी टीम ने जमकर काम किया। खबर काम किया ना तो इनाम भी पूरी टीम को मिलेगा, चल बता। सर सबसे पहली खबर, धवल का साला जयेश, वो घर का भेदी निकला। धवल के बिजनेस राइवल सारंग सिंह के यहाँ काम करता है। कब से? 5-6 महीने से कर रहा है। मतलब जब से धवल जी ने उसे काम से निकाला था उसके बाद से? हाँ, काप से एग्रो सॉल्यूशन से निकाले जाने के बाद मैंने सारंग साहब के यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ये बात तुम्हारे जीजा को पता थी? नहीं, जयेश नहीं चाहता था कि ये बात धवल भाव को मालूम हो। हाँ, चोरी करना तो उसकी आदत है, पर ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपनी बहन के घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मान लिया था कि मुझसे गलती हुई है और जीजा जी ने कहा था वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद मैंने सारंग सिंह के यहाँ ज्वाइन कर लिया और जीजा जी को नहीं बताया। मतलब तुम घर में घुसकर कंपनी की जासूसी कर रहे थे, पर धवल जी को तुम्हारे बुरे इरादों की कोई खबर नहीं थी और तुम चोरी छुपे इसका फायदा सारंग को देते रहे। हाँ, जयेश ने मुझे कुछ अंदर की बातें बताई और मेरी कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन ये धोखाधड़ी ज्यादा दिन नहीं चली, धवल जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिजनेस में जासूसी करने का चार्ज लगाने की धमकी दी।
आप लोग डर गए और उन्हें मार दिया। जयेश तुमने फ्रॉड किया, उसके बाद तुम निकाले गए, फिर तुमने अपने जीजा के बिजनेस रिवाइवल से हाथ मिलाया, तुम्हें तभी चैन नहीं मिला, तो तुमने किस्सा ही खत्म कर दिया। आप भूल रहे हैं कि वो मेरे एक्स बॉस थे लेकिन मेरी बहन के पति भी थे और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। सर अब दूसरी खबर, अपूर्व के जिगरी दोस्त उमेश की, वो भी किसी रिवाइवल के यहाँ काम करता है। उससे भी बड़ी खबर है, ये संजय के दूर का रिश्तेदार है। मतलब यहाँ भी रिवाइवल कनेक्शन। सर मेरे को तो लगता है ना इन दोनों ने मिलकर कांड किया है। सर संजय जगताप मेरे मामा लगते हैं, वो मेरी माँ के चचेरे भाई हैं, मेरी फैमिली उनके क्लोज है सर, मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो उमेश, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संजय ने बिजनेस सेट करने में तुम्हारी काफी हेल्प की है। की है या नहीं? हाँ सर की है। और तुम ही एहसान चुकाने के लिए धवल जी की इन्फॉर्मेशन देते थे उसे? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, अपूर्व बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फैमिली मुझे अपनी फैमिली जैसी लगती है, और संजय मामा ने जो किया वो एहसान नहीं मदद थी, दान नहीं लोन दिया था उन्होंने, जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं आज भी दे रहा हूँ सर। अगर उन्होंने इसके बदले में ऐसा कुछ करने के लिए मेरे को बोला भी होता तब भी मैं एक मिनट के लिए इस बारे में नहीं सोचता सर। उमेश से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, उमेश अपूर्व के बचपन का दोस्त है, उमेश की फैमिली और मेरे बीच अच्छे रिलेशंस हैं, पर उमेश अपूर्व की फैमिली से ज्यादा क्लोज है। चलो मान लिया ये मर्डर आप लोगों ने प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ 2 साल पहले जो हमला हुआ था वो आप लोगों ने ही करवाया था। हाँ वो अटैक हमने ही करवाया था, पर सिर्फ धमकाने के लिए। मर्डर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था और ना ही उस मर्डर में हमारा कोई हाथ है। धवल जी के बिजनेस राइवल संजय और सारंग से हम लोगों ने पूछताछ की, अभी तक कुछ सामने नहीं है। सर अगर संजय और सारंग ने ये सब नहीं किया तो और कौन हो सकता है जो पापा को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकता है? आपके ऑफिस या रिलेटिव्स में कोई ऐसा है जिसके आप लोगों के साथ अनबन हुई हो और उस इंसान ने वो कड़वाहट अपने दिल में रखी हो? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर हमारी कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशन मुकुंद पाटिल, उन्हें मेरे काम करने से दिक्कत थी और पापा मुझे और मेरे आइडियाज को सपोर्ट करते, तो शायद उन्हें उनसे भी दिक्कत हो गई। ये सच है, अपूर्व को काम की समझ नहीं है, अगर वो धवल सर का बेटा नहीं होता तो शायद इस कंपनी में उसे काम करने का मौका नहीं मिला होता। और आप ये भी सोचिए कि मुझे अगर प्रॉब्लम अपूर्व से थी तो मैं अपूर्व को मारता ना, धवल सर को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आप मारना अपूर्व को ही चाहते थे लेकिन गलती से धवल जी की मौत हो गई। झूठ है ये सब, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है इन सबके पीछे मेरा हाथ है तो आप सबूत लाइए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा जहां आप बोलेंगे। सर एक और खबर है इन दोनों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा चौंकाने वाली। क्या? सर आपने मेरे को बोला था कि कापसे फैमिली पर नजर रखो, मैंने रखी। तवल का बेटा अपूर्व अभी 6 महीना पहले एक नंबर का सट्टेबाज था, सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। और ये बात शायद किसी को अच्छी नहीं लगी, कहीं किसी ने अपूर्व का गुस्सा उसके पिता धवल कापसे के ऊपर तो नहीं निकाला, या फिर टारगेट अपूर्व था लेकिन मारे गए धवल कापसे। सर ये कापसे फैमिली तो बहुत कुछ दबा कर बैठी है, ये अपूर्व सट्टेबाज था, कर्जा है उस पर और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अपूर्व की बीवी जानवी वो भी बड़ी छुपी दोस्तों में। मतलब सर कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जानवी पंकज मिश्रा नाम के गुंडे के लगातार कॉन्टैक्ट में है। उसके बैंक डिटेल से पता चलता है कि जानवी ने अपने अकाउंट से पंकज मिश्रा की बीवी जूही के अकाउंट में 3 बार 2-2 लाख करके 6 लाख की पेमेंट की है। अजीब है सर, पंकज जैसे गुंडे के टच में है, किसी बात के पैसे देती है, वो भी ऐसे टेढ़े तरीके से। बुलाओ दोनों को, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं। अपूर्व मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे बेटिंग गैम्बलिंग और कर्जों के बारे में जानता हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दे अपने पापा को क्यों मरवाया। सर क्या बकवास सवाल है? तुम्हारी बीवी पंकज मिश्रा को पैसे देती है, पता है तुम्हें? आपको कैसे पता? मतलब तुम्हें पता है? हाँ मैं पंकज को जानता हूँ, पर मैंने उसे किसी और को किडनैप करने को कहा था। किडनैप? किसे किडनैप करवाया तूने? करण शिंदे नाम है उसका, उसकी बीवी को, ताकि करण डर जाए। ये करण कौन है? कोई नाम का जर्नलिस्ट है, किसी लोकल न्यूज चैनल के लिए काम करता है। उसकी वाइफ को किडनैप क्यों करवाया? वो अपूर्व को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? ब्लैकमेल किस बात के लिए? सर उसके पास मेरा एक वीडियो था एस्कॉर्ट गर्ल के साथ और वो उसे ऑनलाइन करने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत मिन्नतें की सर उससे, पर वो मान ही नहीं रहा था, पैसे चाहिए थे सर उसे। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? और मैटर खुद को ही सेटल करना था तो दे देते पैसे। सर मैं तैयार था, पर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा था, कहां से लाता सर 10 करोड़? और अगर दे भी देता तो उसका क्या भरोसा, डबल क्रॉस कर जाता। तो उसे डराने के लिए तुमने गुंडे को हायर किया? हाँ सर, पंकज ने
जर्नलिस्ट की वाइफ को किडनैप किया और जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करने लगा। मैंने अपने स्टिंग वीडियोस के सारे ओरिजिनल कॉपीज ले लिए। तुम्हारी बीवी भी इन्वॉल्व्ड है? जिस आदमी ने करण की वाइफ को किडनैप किया वो मेरे मायके में ड्राइवर था। इस काम के लिए मैंने ही बात की थी उससे। तो मतलब अपूर्व एस्कॉर्ट्स के कांटेक्ट में है, ये बात तुम्हें पता थी? मैं जानती थी, नाराज थी और अपूर्व को छोड़ना भी चाहती थी, मगर फिर अपूर्व ने मुझसे वादा किया कि वो ये सारे गंदे काम, ये जुआ, दूसरी औरतें, ये सब छोड़ देगा। मैंने उसे माफ किया, बदलने का एक मौका दिया और वो बदला भी, मगर फिर 6 महीने बाद मुझे ये वीडियो मिला, किसी नाराज जर्नलिस्ट ने भेजा था। अपूर्व क्या है ये, क्या है ये? तुमने यश की कसम खाई थी कि तुम ये सब छोड़ चुके हो, अब तक अच्छाई का मुखौटा लगा के रखा था तुमने। जानवी मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल गया। कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन जब ये देख रही हो तो कैसे करूं? ये वीडियो पहले की है, कोई इसे यूज करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम पहले ही मेरा विश्वास तोड़ चुके हो, क्यों कर रहे हो यकीन में? जानवी तुम जानती हो मैं बदल चुका हूं। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, लेकिन अब फर्क पड़ता है। तुम और यश मेरे लिए मायने रखते हो, मैं तुम्हें और यश को नहीं खोना चाहता। मेरा यकीन करो, ये वीडियो सच में पुराना वीडियो है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, मैं सब छोड़कर जाना चाहती थी, पर फिर मुझे अपूर्व पर भरोसा हुआ। और आप जानती थी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही धवल को। पर अब ये तो जानती होंगी ना कि अपूर्व सट्टेबाज है। हाँ, जब हमें पता चला कि अपूर्व इन सब चीजों में पड़ा हुआ है तो हम सब बहुत हैरान थे, लेकिन अपूर्व सुधर गया है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसे ही तो कोई सुधर नहीं जाता, अपूर्व कैसे सुधर गया? सर मुझे समझ आ रहा था कि मैं खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। घर में सबके सब मेरे लिए परेशान थे, लेकिन मेरी लत थी जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं कर्जे में डूबता चला जा रहा था, मैं नए पैसे उठाता पुरानी उधारी चुकाने के लिए, लेकिन वो पैसे भी डूब जाते और धीरे धीरे मुझ पर 5 करोड़ का कर्जा हो गया। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था, जिनसे मैंने उधार लिया था उन्होंने पापा को फोन कर दिया। 5 करोड़? तुझे पैसे की कीमत पता है अपूर्व? और तू मुझे कब बताता? 50 करोड़ होने के बाद? मैं आपको बताने वाला था बाबा। निकल जा मेरे घर से, मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। पहले पैसे कमा फिर पैसा उड़ाना, चल निकल मेरे घर से अभी की अभी। क्या कर रहे हैं आप? कहां जाएगा वो? बीवी है, बच्चा है उसका। जब ये गैम्बलिंग में पैसे लुटाना था तब नहीं सोचा उसने ये सब? पर वो कह रहा है ना कि गलती हो गई उससे, एक बार दूसरा मौका तो दीजिए उसे। ठीक है, 1 साल है इसके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। ये मेरे साथ ऑफिस चले, मेहनत करे और इंस्टॉलमेंट से अपना कर्जा चुकाए। अगर ये नहीं कर पाए तो चुपचाप इस घर से निकल जाए। सर मैं बहुत परेशान था, पापा ने मुझे आज तक डांटा तक नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा है पापा के साथ काम करूं, और कुछ टाइम बाद फिर मैं अंदर से भी बदल गया। अपूर्व सच में बदल गया है सर, बस वो बदकिस्मत निकला कि उसका अतीत उसके आज के सामने आकर खड़ा हो गया। उस जर्नलिस्ट ने वो वीडियो भेजा जिससे छुटकारा पाने के लिए हमें पंकज की मदद लेनी पड़ी, और मैं उसी के पैसे चुका रही हूँ। गणेश भाई। अरे नीलेश, वो ब्लैक जेके बाइक का कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं भाई, पुणे के सारे डीलर से बात हो चुकी है पर किसी को पता नहीं है उस बाइक के बारे में। पक्का? तूने तसल्ली कर ली हर जगह? हाँ भाई, एक काम करता हूँ, फिर से दोबारा से पूछ लेता हूँ लोगों से। देख ले, क्या पता तेरे से कुछ छूट गया हो। नीलेश एक बात बता, ये चोरी की गाड़ियाँ तो तेरे पास भी आती है ना, तू भी तो डील करता है ना? तो कहना क्या चाह रहा था, ये सब काम करना मैंने कब का छोड़ दिया है, 6 महीने हो गए उससे दूर होकर। चल ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? जा सुन, काम मत छोड़, ढूंढता रहे, ठीक है? चल। सर एक बड़ा ब्रेक मिला है। क्या? शूटर और मास्टरमाइंड के बीच का लिंक मिला है। कहां से, कौन है वो? सर गणेश ने टिप दी कि संजय और सारंग शाइनिंग मून बार में अक्सर मिलते हैं, तो मैंने वहां के अंदर के सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए, वहीं से पता चला।
तुम्हें क्या लगा पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? शाइनिंग मून बार का सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारी साइन की हुई रिसीट है, ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि इस मर्डर के प्लानिंग में तुम भी शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि गन पक्या ही लेकर आया था। अब भी तुम यही कहोगे कि धवल कापसे के मर्डर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? संजय तुम्हारा जेल जाना तो पक्का है, बस अपने मुंह से सच बोलोगे तो थोड़ी बहुत दया दिखा देंगे, वरना जेल में ऐसी जगह रखूंगा तुम्हें जहां खूंखार और खतरनाक कैदी रहते हैं। मैं बताता हूं, सब बताता हूं। मैंने ही पक्या को सुपारी दी थी, उसी ने धवल को मारा है। किस लिए? 5 सालों में जीना हराम कर दिया था उसने, बिजनेस में घाटे पर घाटा हुआ जा रहा था। बहुत समझाया पर वो हमारी एक नहीं सुन रहा था। सारंग भी शामिल था इसमें? नहीं सर, वो तो मर्डर का नाम सुन के ही डर गया। मैंने सोच लिया कि अब ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अब जेल में भी अकेले ही सड़ना। आखिरकार धवल कापसे की हत्या का साजिश करता सलाखों के पीछे था, और हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई वो बिजनेस राइवलरी थी। अब पुलिस को सिर्फ एक आखिरी खिलाड़ी को पकड़ना था जिसके बाद ये केस क्लोज हो जाता। दूसरी तरफ हत्या का खुलासा होने से धवल के परिवार को उनके सवालों के जवाब मिल गए, और 7 दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने पक्या को भी पकड़ लिया। पक्या ने अपने बयान में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या ये केस वाकई अपने अंजाम तक पहुंच गया था? 2 साल पहले मैंने ही धवल कापसे पर अटैक किया था, क्योंकि इसके लिए मुझे संजय जगताप ने बोला था, और इस बार भी संजय जगताप ने ही धवल कापसे की सुपारी दी थी। पर सर, मैं वो नहीं हूं जिसने धवल को मारा है। अब ये मत बोलना कि तूने नहीं, तूने चलाई बुलेट ने उसे मारा है। नहीं कहूंगा सर, पर सच्चाई यही है कि धवल को लगने वाली गोली ना तो मेरी बंदूक से निकली थी और ना ही उसे चलाने वाले मेरे हाथ थे। सब मैं तो खुद ही हैरान था कि जो सुपारी मेरे हाथ में थी तो फिर उसे मेरे मारने के एक दिन पहले किसने मार दिया? पर मेरे लिए तो ये मौका था कि संजय से झूठ बोलकर अपने बचे हुए 10 लाख रुपए लेने का। इसकी क्या गारंटी कि तू इस बार भी झूठ नहीं बोल रहा है? सब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मर्डर वाले दिन मैं उस जगह था ही नहीं। सर, मैंने हर चीज को डबल चेक किया, ये पक्या झूठ नहीं बोल रहा है। ये मर्डर के टाइम पर शीना के साथ ही था, और जहां शीना काम करती है वहां आसपास भी इंक्वायरी की। मर्डर वाले दिन वहां पक्या को शीना के साथ देखा गया था। अगर पक्या सच बोल रहा है फिर धवल कापसे का मर्डर किया किसने? इस केस में कुछ तो है जो हमारी नजर से छूट रहा है। किसने उठाई होगी सुपारी? नहीं, गणेश को बोलो जल्द से जल्द उस बाइक का पता लगाए। अरे इतनी क्या खाई पड़ी तेरे को जो लगातार फोन कर रहा था? मुझे सही कीमत नहीं मिली साहब, सिर्फ 2 लाख मिली मुझे, जबकि आपने गगन को 20 लाख दिए थे। तो उसमें मैं क्या करूं, जाके उसी से मांग। मांगा था ना साहब, पर उसने मना कर दिया, और अब तो अंडरग्राउंड हो गया। तब जिसे मारने गया था ना, पता नहीं था वो कितना बड़ा आदमी था, लेकिन अब पता है तो 10 लाख और दे दो, तब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं तो क्या करेगा तू? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। साले ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को। नहीं, अब इतना बड़ा काम किया, ठीक से शगुन तो मिला नहीं, कम से कम विदाई तो दे दो। करोड़पति आदमी था धवल, 10 लाख के लिए इतना सोचा? कॉल करता हूं आपको, बता देना कहां हूं पैसे लेने। Thank you.
मैं उमेश को तो जानता ही नहीं साहब। गगन ने मुझे कॉन्टेक्ट दिया था। कौन गगन? हिस्ट्री शीटर था साहब, उससे दोस्ती थी मेरी। धवल कापसे की सुपारी भी उसी ने उठा था। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि हम किसे मारने जा रहे, लेकिन बाद में जब टीवी पर न्यूज देखा तब जाकर मुझे समझ में आया कि गगन को इस सुपारी के ढेर सारे पैसे मिले, लेकिन मुझे वो 2 लाख में टरका दिया। मैंने उससे पूछा भी, तू ठीक नहीं कर रहा है गगन, मुझे मालूम है कम से कम तूने 15-20 पेटी उठाया होगा, मैं सिर्फ 5 मांग रहा हूं। देख, मेरे को जो देने का था वो मैंने दे दिया। वैसे भी मर्डर मैंने किया था, तू तो सिर्फ बाइक पे बैठा था, समझा? मैं साथ में नहीं था क्या? अब ये सब बात छोड़ो, सीधे सीधे मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं सीधा जा रहा हूं पुलिस के पास। जा, तेरे को क्या लगता है वो तेरी आरती उतारेंगे? पहले तो तेरे को अंदर लेंगे, अच्छी खातिरदारी करेंगे, आज के बाद से तो मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूं, फिर किसी का बाप भी मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद वो गगन ने नीलेश को मेरा नंबर दे दिया और वो पैसों के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया सर। इससे पहले भी मैंने सेटलमेंट्स वाले छोटे मोटे काम कराए हैं सर उससे, तो सर इस बार भी मैंने उसी को बोला। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद किया। क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। मर्डर करना है। हो जाएगा। किसका करना है? अरे ये वो बड़ा बिजनेसमैन धवल कब से है ना, बड़ी मछली है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और रुपया भी ज्यादा पड़ेगा। कितना चाहिए? 20 पेटी। मिल जाएगा। डन। मैंने उसे पैसे दिए और मर्डर का डेट फाइनल किया सर। किसके कहने पर किया तो नहीं ये, संजय के या सारंग के? सर ये मैंने लालच में आकर किया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कोई और भी पकड़ा गया क्या? हाँ, एक और शूटर, पर उन लोगों ने ये काम नहीं किया था। उन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया था? संजय ने प्लान किया था, सुपारी भी दी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही धवल जी को किसी और ने मरवा दिया। इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। क्यों अपूर्वा, सही कहा ना मैंने? आप कहना क्या चाहते हैं अपूर्वा? अपनी पत्नी और माँ को तुम खुद बताओगे या फिर हम बताएं कि अपने पापा को तुमने ही मरवाया? सर आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, और पापा ने सबके सामने, मेरी पत्नी के सामने मुझे थप्पड़ मार दी। 5 करोड़? मैं आपको बताने वाला था बाबा। निकल जा मेरे घर से, मैं ऐसे जुआरी और सट्टेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। घर से बाहर निकाल रहे थे, बहुत बेइज्जती हुई थी उस, तो मैंने भी बदला लेने की ठानी। और फिर तुमने उमेश से कहा? समझते क्या है वो खुद को, इतना बड़ा कारोबार है और मैंने मांगा क्या, सिर्फ 5 करोड़, जिसके लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया मेरे बाप ने, बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू हैं? क्या करेगा? मार दूं। क्या? मुझे तेरी मदद चाहिए। देख कपूर, बहुत पी लिए, घर चलते हैं, चलो। सुन, मेरे बाप की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे 10% दूंगा। सर मर्डर का सारा इंतजाम उमेश ने, और मैं बस बदलने का दिखावा करता रहा ताकि सबकी नजरों में अच्छा बन जाऊं। तुम 2 रात से सोई नहीं, सो जाओ आराम से। एग्रीकल्चर मार्केट में अगर लीडर बनना है तो हमें इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। आपको वाकई मेरा आइडिया पसंद आया, या फिर आपने मेरी साइड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मैं आपका बेटा हूं? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, जिसने भी पापा को, और धीरे धीरे पापा को भी यकीन हो गया कि मैं बदल गया हूं। उन्होंने ऑफिस में भी मुझे वो इज्जत देनी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से अपूर्व के आइडियाज में दम है। अपूर्व, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कंपनी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा। और फिर मैंने मर्डर का डेट और टाइम डिसाइड किया, और फिर सब प्लान के मुताबिक हुआ। तुमने अपने पापा को सिर्फ इसलिए मरवाया
क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था। सर पापा चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। सर आज भी जिन लोगों से मैंने उधार लिया है मुझे धमकी देते हैं। सर पापा नहीं जानते थे कि कैसे लोग हैं। सर ये लोग चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, और वो भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए। लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो उनकी कंपनी सबसे ऊपर, उनके आदर्श सबसे ऊपर। कपूर इतने क्रिमिनल्स देखे हम लोगों ने, पर तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर हैरत होती। धवल इंसान पहचानते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपूर्व भरोसे के लायक नहीं, उसे कोई उम्मीद ना रखो। लेकिन मां का दिल है ना, मानता ही नहीं था। आज मैं गलत साबित हो गई। नहीं मम्मी, आपने और पापा ने हमें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया। पापा पता नहीं कितने लोगों के इंस्पिरेशन थे। उनका खुद का बेटा उनसे कुछ सीख नहीं पाया, इसमें आपकी गलती नहीं है, उसी की बदकिस्मती। अपूर्वा, उमेश, नीलेश और गगन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी बुक किया गया है। अपूर्वा के परिवार के लिए विश्वास करना काफी मुश्किल है कि अपूर्वा ने ही ये सारी साजिश रची और अपने पिता की हत्या करवाई। हमने असंभव को संभव होते सुना है, बुराई को अच्छाई में बदलते सुना है, लेकिन किसी चीज के लालच से इंसान में आया हुआ बदलाव अस्थिर होता है। किसी भी इंसान में बदलाव किसी चीज, वस्तु या लालच को पाने के इरादे से परे होना चाहिए। जब इंसान को खुद एहसास हो और उसे अंदर से बदलने की इच्छा हो, बदलाव तभी संभव है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।